हेलो दोस्तों शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी टी फार्मासिस्ट प्रीवियस एयर एमसीक्यू तो ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं सो तो प्लीज़ दोस्तों एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं फार्माकोडाइनमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑप्शन बी है इंटरेक्शन विद रिसेप्टर ऑप्शन सी है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड ऑप्शन डी है मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन तो हमारा जो राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू फार्मा को काइनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ऑप्शन बी रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ऑप्शन सी है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड ऑप्शन डी है रेट ऑफ ड्रग एक्शन तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी तो याद रखिएगा जहाँ पे भी फार्मा को काइनेटिक्स वर्ड आता है तो आप इतना याद रखिएगा ए डी एम ई ठीक है याद रखिएगा फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है ए डी एम ई यानी एबजॉपसन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग इतना याद रखिएगा फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ए डी एम ई ठीक है याद रखेंगे आप ठीक है और जहाँ पे डायनामिक्स आ जाता है तो डायनामिक्स फार्मा को डाइनिक्स डायनामिक्स मीन्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन तो रूट ऑफ एडमिशन ऑफ ड्रग ड्रग का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है किस पर डिपेंड करता है ऑप्शन ए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑप्शन बी साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन ऑप्शन सी द टाइम कोर्स ऑफ द एक्शन एंड ऑप्शन डी आल ऑफ द एब तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी आल ऑफ द एबव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सबलिंगुअल रूट इज यूज फोर्थ तो जो सबलिंग रूट होता है किसके लिए यूज होता है ऑप्शन ए इन्हेंसिंग द ड्रग एक्शन ऑप्शन बी रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑप्शन सी बाई पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एव तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बाई पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग तो दोस्तों याद रखिएगा जो सबलिंगल रूट होता है सबलिंग रूट तो सबलिंगल रूट के द्वारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग का रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है याद रखिएगा रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूट्स आर एडमिस्टर्ड बाय तो जब हमें फ्लूट्स का लार्ज वॉल्यूम एडमिस्टर्ड करना होता है पेशेंट को तो कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं हम ऑप्शन बे ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर रूट ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस रूट ऑप्शन सी इंट्रावेनस रूट एंड ऑप्शन डी मैन ऑफ द एव तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी इंट्रावेनस रूट याद रखिएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑयली इंजेक्शंस इज प्रीफर गिवन बाय जो ऑयली इंजेक्शन होते हैं वो किस रूट के द्वारा दिए जाते हैं ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस रूट ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर रूट ऑप्शन सी इंट्रावेनस रूट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एवर तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ट्रामकुलर रूट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन फोर रैपिड एंड इंटेंस एक्शन विच ऑफ दिस पेरेंटल रूट इज यूज तो रैपिड और फास्ट एक्शन के लिए कौन सा पेरेंटल रूट यूज किया जाता है ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर ऑप्शन सी इंट्रावेनस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इंट्रावेनस इंट्रावेनस मीन्स आई बी रूट ठीक है आई बी रूट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट है थेराप्यूटिक इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ ऑप्शन ए टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज ऑप्शन बी थेराप्यूटिक डोज एंड परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्स सी है टॉक्सिक डोज एंड परसेंटेज ऑफ टॉक्सिक रेस्पॉन्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एव तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी टॉक्सिक डोज एंड थेरापूटिक डोज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस पर निर्भर होता है किस पर डिपेंड करता है ऑप्शन ए पार्टिकल साइज ऑप्शन बी सॉल्यूबिलिटी ऑप्शन सी पीएच लेवल एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ फूड तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी ऑल ऑफ़ द एवर तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज सॉल्यूबिलिटी पीएच लेवल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाई ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन एंड डी ऑल ऑफ द एवर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं वन ड्रॉप मीजर्स इन बैटरिक सिस्टम मैट्रिक तो सिस्टम में वन ड्रॉप को मीचर्स करते हैं हम किस में करते हैं बताइएगा यानी मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वन ड्रॉप में कितने एम होते हैं बेसिकली ये बताना है तो ऑप्शन ए सिक्स एम ऑप्शन बी सिक्सटी एम ऑप्शन सी जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स एम एंड ऑप्शन डी नन तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम याद रखिएगा बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में वन ड्रॉप इन मैट्रिक सिस्टम तो याद रखिएगा वन ड्रॉप में कितने होते हैं जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वन टी स्पून फुल यानी वन टू टी स्पून फुल यानी एक टी स्पून फुल में कितने एम एल होते हैं ये बताना हमें ऑप्शन ए सिक्स एम एल ऑप्शन बी टेन एम एल ऑप्शन सी फोर एम एल एंड ऑप्शन डी टू एम एल तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फोर एम तो एक टी स्पून फुल में हमारा फोर एम आता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं वन टेबल स्पून फुल तो दोस्तों वन टेबल स्पून फुल मीन्स ऑप्शन ए फाइव एम ऑप्शन बी टू एम ऑप्शन सी फिफ्टीन एम एंड ऑप्शन डी टेन एम एल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फिफ्टीन एम दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन टेबल स्पून और वन टी स्पून फुल में लोग कंफ्यूज होते हो जाते हैं दोस्तों तो हमें याद रखना है अगर टी स्पून फुल है तो वहाँ पे फोर एम एल रहेगा वन अगर टेबल स्पून पूछ लेता है तो वहाँ पे फिफ्टीन एम एल रहेगा ये याद रखना आप ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं यानी टू फ्लूड आउंस इज इक्वल टू यानी टू फ्लूड आउंस जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं ऑप्शन ए ट्वेंटी एम एल ऑप्शन बी सिक्सटी एम एल ऑप्शन सी फोर्टी एम एल एंड ऑप्शन डी टेन एम एल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सिक्सटी एम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन थाउजेंड मिली लीटर इज यानी वन थाउजेंड वन थाउजेंड मिली लीटर इज ऑप्शन ए वन ग्राम ऑप्शन बी वन के ऑप्शन सी वन एम एंड ऑप्शन डी वन लीटर तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं बहुत ईजी होते हैं बट हम कन्फ्यूजन कारण गलत कराते हैं तो एक हज़ार मिली लीटर इज इक्वल टू वन लीटर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वन लीटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म तो ऑप्शन ए है लिंकटस ऑप्शन बी एलेक्जर्स ऑप्शन सी सीरप एंड ऑप्शन डी आल तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडियन फार्माकोपोिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड एज सप्लीमेंट ऑप्शन ए यूएसपी ऑप्शन बी आईपीसी ऑप्शन सी बीपी एंड ऑप्शन डी नन तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बीपी बीपी बी मीन्स ब्रिटिश फार्मा को और आईपीसी पी मीन्स इंडियन फार्मा को यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्मा को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पैकेजिंग मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट ऑप्शन ए ग्लास ऑप्शन बी प्लास्टिक ऑप्शन सी मेटल एंड ऑप्शन डी आल इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी पैकेजिंग मेटीरियल्स पैकेजिंग मेटीरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं एज ए पैकेजिंग मेटीरियल में क्या क्या यूज होता है ग्लास प्लास्टिक और मेटल तीनों ही चीज़ें यूज की जाती हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ऑप्शन ए पॉजिटिव मिक्सर्स ऑप्शन बी नेगेटिव मिक्सचर्स ऑप्शन सी न्यूट्रल मिक्सचर एंड ऑप्शन डी आल तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द तो फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपोिया ऑफ इंडियन बाज पब्लिश्ड इन जो फार्माकोपोिया का इंडियन फार्माकोपोिया का फर्स्ट एडिशन है कब पब्लिश हुआ था ये बताना हमें ऑप्शन ए नाइनटीन सिक्सटी सेवन ऑप्शन बी नाइनटीन फोर्टी सेवन ऑप्शन सी 1946 एंड ऑप्शन डी 1955 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1955 दोस्तों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे ज़रूर याद रखिएगा जो हमारा इंडियन फार्माकोपोिया का फर्स्ट एडिशन है हमारा फर्स्ट एडिशन याद रखिएगा 1955 है 1955 और सेकंड एडिशन है नाइनटीन सिक्सटी सिक्स नाइनटीन सिक्सटी सिक्स और जो लेटेस्ट एडिशन है हमारा वो 2018 में आया था हमारा वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी तो निम्न में से निम्न में से कौन सा हॉस्पिटल फार्मेसी का साइलेंट फीचर्स नहीं है बताइएगा ऑप्शन ए सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एनसिलरी प्रोडक्ट्स ऑप्शन बी डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग ऑप्शन सी सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड ऑप्शन डी डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट्स तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी यानी डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एधेसिव प्लास्टर तो निम्न में से कौन सा एधेसिव प्लास्टर नहीं है ऑप्शन ए बैलाडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन सी कैप्सिकम प्लास्टर एंड ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड प्लास्टर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है जल्दी से मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जल्दी से कमेंट करिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी थ्री द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ऑप्शन ए 1963 सिक्सटी थ्री ऑप्शन बी 1954 फिफ्टी फोर टू फिफ्टी फाइव ऑप्शन सी 1968 सिक्सटी एट एंड ऑप्शन डी 1978 एट तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ठीक है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नाइनटीन फिफ्टी फोर टू फिफ्टी फाइव याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी फोर टॉक्सिन इंड्यूस्ड मस्कुलर ट्विचिंग एंड कन्वलजियन ट्रीटेड विद ऑप्शन ए डीकोबाल्ट एडिटेट ऑप्शन बी डाइजीपाम सी डाइमर कैप्रोल एंड डी फ्लूमा जेनिल तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी डाइजीपाम चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी फाइव सिंड्रोम इज ट्रीटेड विद जो सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है ट्रेटेड किसके साथ में ट्रेडेड होता है ऑप्शन है साइनोकेट ऑप्शन बी डाइजीपाम, सी डेंट्रोलिन एंड डी साइप्रोहैप्टाडीन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी साइप्रोहैप्टाडीन दोस्तों ये बताइए साइप्रोहैप्टाडीन किसका डेरिवेटिव होता है कमेंट करिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बिस्कोडिल शुड नेवर बी गिवन टू पैसेंट विद तो दोस्तों जो बिस्कोडुल है बिस्कोटिल शुड नेवर बी गिव इन टू पैसेंट विद तो दोस्तों याद रखिएगा जो बिस्कोडिल है किसके साथ नहीं देनी चाहिए बताइएगा ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट्स ऑप्शन बी मिल्क सी एंटासिड एंड डी ऑल ऑफ द एवब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एवअब तो याद रखिएगा दोस्तों जो बिस्को होती है उसको डेयरी प्रोडक्ट मिल्क या एंटासिड किसी के भी साथ में नहीं देना चाहिए याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी सेवन जिंजीवल ट्वेंटी सेवन है जिंजीवल हाइपरप्लासिया कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स विद यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑप्शन ए फिनो बारबिटोन ऑप्शन बी प्रो कैनामाइड ऑप्शन सी प्रीमीडोन एंड ऑप्शन डी फिनाइटोइन तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फिनाइटोइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी एट ऑलमी सार्टेन इज क्लासीफाइड एज एन ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑप्शन बी ए सी ऑप्शन सी सी ए प्लस प्लस चैनल ब्लॉकर एंड ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी नाइन थियोफाइलिन एक्ट्स वाई इनिविटिंग द एंजाइम ऑप्शन ए फॉस्फो ऑप्शन बी फाइव लिपॉक्सीजीज एंड ऑप्शन सी है फॉस्फो लाइपेज ए टू एंड ऑप्शन डी आल हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फॉस्फो तो याद रखिएगा थियोफाइलिन एक्ट्स वाई इनिबिटिंग द एंजाइम फॉस्फो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्टी डेप्सोन इज यूज कॉमनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ जो डेप्सोन ड्रग है किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है बताइए ऑप्शन ए है सोरासिस बी अरिथमिया सी सीजोफ्रेनिया एंड डी है, हैंसन डिसीज तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी हैंसनड्रीज ऑप्शन डी यानी हैंसन डिसीज दोस्तों याद रखिएगा हैंसन डिसीज इज ऑल्सो नोन एज लेप्रोसी ठीक है लेप्रोसी को ही हम हैंसन डिज कहते हैं नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है ये हमारा थर्टी ठीक है डिज इज आल्सो नोन एज लेप्रोसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्टी वन पॉपी प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली जो पॉपी प्लांट होता है बिलोंग्स टू फैमिली ऑप्शन ए ऐपोसाइनेसी ऑप्शन बी रोबीएसी ऑप्शन सी पेपेवरेसी एंड ऑप्शन डी कैरियोफाइलेसी तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पेपेवरेसी दोस्तों तो एपोसाइनेसी अभी बताया था किस किस की फैमिली होती है एप्पोसाइनेसी जो होती है हमारी एप्पोसाइनेसी फैमिली होती है रावॉल्फिया और बिनका की याद रखिएगा राफिया रावल्फिया और बिनका की फैमिली होती है एपोसाइनेसी और रूबीए जो फैमिली होती है वो होती है हमारी सिनकोना की ये भी याद रखिएगा सिनकोना की फैमिली होती है रूबीएसी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ओपीएम इज डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए मॉर्फिन ऑप्शन बी नार्कोटीन ऑप्शन सी मेकोनिक एसिड ऑप्शन डी पेपेवरिन तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिकोनिक एसिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्टी थ्री डेडली नाइट सेड प्लांट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए बेलाडोना ऑप्शन बी हायोसाइमस निगर ऑप्शन सी धतूरा इस्टामोनियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एव जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बेलाडोना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एट्रोपा बेलाडोना और एट्रोपा एक्यूमिलाटा बिलोंग टू फैमिली ऑप्शन ए एपोसाइनेसी ऑप्शन बी सोलान ऑप्शन सी लोरेसी ऑप्शन डी रूटेसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोलान दोस्तों लॉरेशी जो होती है वो किसकी फैमिली होती है आप बताइएगा जल्दी से तो लॉरेशा जो फैमिली होती है वो एक तो होती है सिन्नामन की सिन्नामन की फैमिली होती है लॉरेसी और दूसरा है केशिया केशिया की फैमिली भी लॉरेशी होती है याद रखिएगा ये ठीक है एपोसाइनेसी अभी आपको बताया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कोलाइड जो इंडियन बेलाडोना होता है कौन सा एल्कोलाइड कंटेन करता है ऑप्शन ए एट्रोपिन ऑप्शन बी स्टाइकनिन ऑप्शन सी सेफेलिन एंड ऑप्शन डी नार्कोटीन तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एट्रोपिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इम्पोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज मस्ट नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑप्शन ए फिफ्टी डोजेज ऑप्शन बी हंड्रेड डोजेज ऑप्शन सी है टू हंड्रेड डोजेज एंड ऑप्शन डी थ्री हंड्रेड डोजेज तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हंड्रेड डोजेज चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्टी सेवन द फार्मेसी एक्ट एंड नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वर इनएक्टेड इन द रेस्पेक्टिव ईयर ऑप्शन ए नाइनटीन एंड नाइनटीन ऑप्शन बी 1946 एंड 1985, ऑप्शन सी 1948 एंड 1985 एंड ऑप्शन डी 1947 एंड 1986. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी यानी 1948 एंड 1985 चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन द फार्मेसी एक्ट 1948 तो दोस्तों बताइएगा जो नाइनटीन फार्मेसी एक्ट नाइनटीन है इसके कितने सेक्शंस हैं प्रेजेंट में ऑप्शन ए फाइव बी फोर्टी सिक्स सी फोर्टी एंड डी फोर्टी टू तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी फोर्टी सिक्स याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी याद रखिए फार्मेसी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट में पास हुआ था याद रखिएगा चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इज ऑप्शन ए इथिक्स ऑप्शन बी रूल्स ऑप्शन सी जूर एंड ऑप्शन डी नन तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ज्यूरिस प्रूडेंस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी ड्रग्स लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आर एम पी आर ऑप्शन ए शेड्यूल एस ड्रग ऑप्शन बी ओ टी सी ड्रग ऑप्शन सी शेड्यूल जी ड्रग एंड ऑप्शन डी आल तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ओ ड्रग ओ टी दोस्तों ओवर द काउंटर ड्रग्स तो इसका मतलब ये हुआ ड्रग्स लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आर यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर तो दोस्तों जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं वो हम बिना मेडिकल प्रैक्टिसनर के ले सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन तो हार्ट के राइट right साइड में Uh, कौन सा ब्लड होता है बताइएगा ऑप्शन ए प्योर ब्लड ऑप्शन बी इम्प्योर ब्लड ऑप्शन सी लिम्फ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एवअप तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इम्प्योर ब्लड तो याद रखिएगा हर्ट के राइट right साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं इमप्योर ब्लड को कहते हैं ध्यान रखिएगा डी ब्लड याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड इज़ नॉन एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये याद रखिएगा डी ऑक्सीजनेटेड ठीक है इम्प्योर ब्लड को क्या कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छा राइट साइड में तो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है अभी होता है लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड में हमारे प्योर ब्लड होता है ठीक है ये हार्ट के लेफ्ट साइड में हार्ट के लेफ्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड होता है याद रखिएगा लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को क्या कहते हैं प्योर ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी याद रखिएगा ऑक्सी ब्लड ठीक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं हम प्योर ब्लड को ध्यान रखिएगा प्योर ब्लड इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी टू एंडोकार्डियम इज लेयर ऑफ तो जो एंडोकार्डियम लेयर होती है किसकी होती है ऑप्शन ए किडनी ऑप्शन बी लंग्स ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी स्टोमक तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हार्ट याद रखिएगा एंडोकार्डियम इज लेयर ऑफ हार्ट चलिए अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन है हमारा किडनी किडनी के बारे में बताइए बता चुका हूं किडनी किडनी का फैन फंक्शन क्या होता है रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड याद रखिएगा किडनी करती है रिमूव टॉक्संस फ्रॉम द ब्लड रिमूव टॉक्सिंस रिमूव टॉक्सिंस फ्रॉम द ब्लड याद रखिएगा और स्टोमक स्टोमक का क्या होता है तो स्टोमक क्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रेक डाउन फूड तो ये क्या करता है ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है ध्यान रखिएगा और क्या करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड याद रखिएगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी फूड का ब्रेक डाउन करने का काम किसका है ये काम है स्टोमक का ठीक है याद रखिएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी थ्री द सिस्टोलिक प्रेशर इज द तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है ऑप्शन ए मैक्सिमम प्रेशर ऑप्शन बी लोएस्ट प्रेशर ऑप्शन सी बॉथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एव तो हमारा जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मैक्सिमम प्रेशर तो याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर लोएस्ट या मिनिमम प्रेशर कौन सा होता है तो याद रखिएगा लोएस्ट या मिनिमम प्रेशर जो होता है हम उसको कहते हैं डाइस्टोल प्रेशर याद रखिएगा इसको कहते हैं डाइस्टोल प्रेशर ठीक सिस्टोलिक प्रेशर होता है मैक्सिमम और लोएस्ट प्रेशर होता है डाइस्टोल मैक्सिमम प्रेशर होता कितना है हमारा ध्यान रखिएगा मैक्सिमम प्रेशर जो होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 ट्वेंटी एम ठीक है वन ट्वेंटी एम हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है ठीक है सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक प्रेशर जो होता है हमारा वो होता है 80 एम एम एच जी ठीक है एट्टी एम एम एच जी तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया वन ट्वेंटी बाई एट्टी एम एम एच जी याद रखिएगा ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर्टी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लिम्फेटिक ग्लान तो निम्न में से कौन लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है ये बताना है हमें ऑप्शन ए पैनक्रियाज ऑप्शन बी स्प्लीन ऑप्शन सी टॉन सेल्स एंड ऑप्शन डी थाइमस तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पैनक्रियाज तो याद रखिएगा पैनक्रियाज हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं होती है पैनक्रियाज कौन सी ग्लैंड होती है पैनक्रियाज होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड याद रखिए एक्सो क्राइन ग्लांड ठीक पेनक्रियाज होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लांड और ये जो है तीनों हमारी स्प्लिन टॉन्सिल्स थाइमस ये होती हैं लिम्फेटिक ग्लैंड याद रखिएगा ये तीनों हैं हमारी लिम्फेटिक ग्लांड। नोट कर लीजिएगा इसको ये होती हैं हमारी लिम्फेटिक ग्लांड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द पैरोटोनियम इज़ ए तो पैरोटोनियम क्या है ऑप्शन ए आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन एवडोमैन ऑप्शन बी आउटर कवरिंग ऑफ थोरैक्स ऑप्शन सी इनर कवरिंग ऑफ रैक्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एव तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है तो द पैरेटोनियम इज़ ए आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन एबडोमैन चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स है द नंबर ऑफ टेम्प्रोरी टीथ इन ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बींग में टेम्पोररी टीथ कितने होते हैं बताइएगा ऑप्शन ए ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन बी ट्वेंटी ऑप्शन सी एटीन एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी टू तो ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ट्वेंटी तो टेम्परी टीथ आल्सो नॉन एज प्राइमरी टीथ टेम्प्ररी टीथ को और क्या कहते हैं देखो टेम्परी टीथ को हम प्राइमरी प्राइमरी टीथ भी कहते हैं याद रखिएगा प्राइमरी टीथ प्राइमरी टीथ और क्या कहते हैं प्राइमरी टीथ और मिल्की टीथ भी कहते हैं इसको मिल्की टीथ मिल्क टीथ भी कहते हैं ध्यान रखिएगा यानी प्राइम टेम्पोर टीथ आल्सो नॉन एज प्राइमरी और मिल्की टीथ और ये बच्चों में पाए जाते हैं ठीक है चाइल्ड्रंस में चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी सेवन प्रीमोलर टीथ इज़ यूज फोर तो जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो यूज किए जाते हैं ऑप्शन बे इंसाइजिंग ऑप्शन बी कैनिंग ऑप्शन सी ग्रिंडिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी याद रखिएगा ऑप्शन सी तो प्रीमोलर टी इज यूज फॉर ग्रिंडिंग ग्रेंडिंग और चुविंग चुइंग में भी याद यूज़ किए जाते हैं याद रखिएगा ग्रिंडिंग एंड चूइंग ये भी नोट कर लीजिए ठीक तो प्री मोलर टीथ इज यूज फॉर ग्रिंडिंग एंड च्यूइंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी एट पैरोटाइट्स आर प्रेजेंट इन तो जो पैरोटाइट्स ग्लैंड होती है आर प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होती है ऑप्शन ए स्टोमक ऑप्शन बी माउथ ऑप्शन सी फेरिंग्स एंड ऑप्शन डी इंटेस्टाइन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी माउथ ओके okay. दोस्तों पैरोटेड ग्लॉस के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी पैरोटेड ग्लॉस आर मेजर सेलाइब्री ग्लान होती है वो सेलाइब्री ग्लॉस होती है मेजर सेलाइब्री ग्लान और पैरोटेड ग्लॉट प्रोड्यूस सेलाइबा याद रखिएगा तो पैरोटेड ग्लान जो है क्या होती है ये मेजर सेलाइब्री ग्लान्ड ये भी नोट कर लो मेजर सेलाइब्री ग्लान्ड ठीक है और सेलाइब्री ग्राइंड का काम क्या होता है प्रोड्यूस सेलाइबा जो कि हमारी प्रोड्यूस करती है सेलाइबा याद रखिएगा सेलाइबा प्रोड्यूस करती है ठीक है पैरोटेड ग्लैंड ग्रांड और पैरोटेड ग्लैंड प्रोड्यूस सेलाइबा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टी नाइन द ऑप्टिमम पीएच फॉर सेलाइब्री एमाइलेज एक्शन इज ऑप्शन ए सेवन पॉइंट फोर ऑप्शन बी फोर पॉइंट फाइव ऑप्शन सी सिक्स पॉइंट एट एंड ऑप्शन डी थ्री पॉइंट फाइव तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिक्स पॉइंट एट सिक्स पॉइंट एट ठीक है दोस्तों ये बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है कई बार पूछा है मैंने आपसे एक बार फिर बताइएगा ब्लड का पीएच कितना होता है ठीक है कमेंट करिए जल्दी से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ब्लड का और एक पीएच और बताना है आपको टीयर्स का पीएच और बताना है टीयर्स का पीएच कितना होता है टीयर्स का भी जल्दी से कमेंट करिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी विच पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन ऑप्शन ए नेजो फेरिंग्स ऑप्शन बी लरिंगो ऑप्शन सी ओरो फेरिंग्स एंड ऑप्शन डी आल ऑफ द एव तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी और फेरिंग्स क्या होता है दोस्तों और है और द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट कनेक्ट्स टू द ओरल कैविटी याद रखिएगा तो ये एक मिडिल पार्ट है थ्रॉट का और जो कि कनेक्ट होता है ओरल कैविटी से और ओरोफेरिंग्स दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से चाहिए या किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग